हेलो फ्रेंड्स, हाय हाय, माय नेम इज सचिन और ये मेरा प्यारा सा बेबी है, इसका नाम बानी है। तो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया है कि हम अपना ट्रैवल व्लॉग बनाए। मैं अपना पहली बार चैनल ओपन कर रहा हूँ, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे बनाना है, कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं है, बस मेरे को थोड़ा घूमना अच्छा लगता है। तो हम अपना चैनल बना रहे हैं, तो मुझे आप दोस्तों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने हूँ, आई डोंट नो हाउ टू टॉक। अब बोलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बानी। बानी, ओके। आप देख सकते हैं जी कैसी वादियों में हम घूम रहे हैं, क्या नजारा है जी। जिंदगी खुश हो जाती है जी, रूह खुश हो जाती है जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं। सुना था कि पुंछ वैली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन वाकई यार अपनी आंखों से देख लिया है, ये बहुत सुंदर है। इट्स अ मिनी कश्मीर, स्वर्ग है ये। देख लो जी, पहुंच गए हम पहाड़ों पे, इतना खूबसूरत, इतना अमेजिंग, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ पे। और ये है जन्नत, देखिए पहाड़ों के बीच बसा हुआ शहर छोटा सा, और ये पहाड़ कुछ कहते हुए हमसे। बनी आजा पीछे, कहाँ जा रहे हो बानी बेटा? झूला लेने। झूला लेने? ये व्यू देखिए अब यहाँ से, और ये बानी और बानी अपने चाचू के साथ दिखा रहे हैं उसको घूमने वाली जगह, वहाँ देखो। आ जाओ बानी, नीचे आ जाओ। मेरा बेबी बहुत एक्साइटेड हो रखा हुआ है, तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सरप्राइज क्या है। ये आप देख सकते हो जी, मेरी दोनों गुड़ियाँ बलैरो पे बैठी हुई हैं, और ये था सरप्राइज। अब व्यू देख लीजिए सर, तो अच्छा लग रहा है होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। नीचे की देखो, कितना नीचे है देखो। हमने यहाँ से शुरू किया और वो सामने 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 हम गए, और ये सिस्टम बनाया हुआ है 50 रुपये घंटे के यहाँ पे, और व्यू देखिए कितना अच्छा है। अब आगे जाके पता चलेगा मौसम यहाँ पे चेंज होता जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर का व्यू तक दिखाऊँ तो आप बोलोगे कि सचिन भाई तू तो सीधी के मज़े ले रहा है, तो जनाब बिल्कुल ले रहे हैं जी मज़े हम, कि थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। और ये देखिए जनाब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस उन चोटियों पे। मौसम देख सकते हैं आप, ये देखिए। और जनाब ये आप देख लीजिए हम कहाँ से आ रहे हैं, उनको पहाड़ों से आ रहे हैं, और ये पड़ रही है स्नोफॉल, और हम हैं वादियों में। ये है हम, और ये है मेरी गाड़ी, और ये है स्नोफॉल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आप कर रहे हैं फुल एंजॉय मस्ती में, रास्ते में बड़ी स्लिप हो रखी है तो उन्होंने गाड़ी लगा दी, अब क्या करें, जय माता दी। आराम से हम नीचे पहुंचेंगे, तो बाकी मज़ा आ रहा है जी स्नोफॉल देखने का, मतलब कि इतने मोटे मोटे स्नोफॉल पड़ रही है, तो मैं मतलब कि एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ आपको कि कितनी मुझे खुशी मिल रही है। मज़े आ रहे हैं जी, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत मज़े, चिल मार रहे हैं, चिल।
नमस्कार सबको दोस्तों, तो एक बार फिर सचिन जम्मू आपके सामने हाजिर है। तो आज कोई हमारा ट्रैवल व्लॉग नहीं हो रहा है, आज बस आपसे बात करने का मन था, तो मैंने कहा चलो एक आपसे आज एक सिटिंग व्लॉग बनाया जाए, आपसे बैठ के बात की जाए। तो बात ऐसी है कि जो आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं और फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल में आए हुए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया है वो भी डेफिनेटली आज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी यूट्यूब नया नया स्टार्ट किया है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने माइंड बनाया है कि वो यूट्यूब में एज ए व्लॉगर आना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा और मैंने अपने बहुत से व्लॉग्स में आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं 1K सब्सक्राइबर्स यूं ही मेरे हिट हो जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करूँगा और उनको व्लॉग में लाऊँगा। तो डेफिनेटली आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार से मैंने 1K सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए हुए हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू यूट्यूब फैमिली। कई बार मैं सोचता हूँ कि काश मैंने यूट्यूब बहुत पहले शुरू कर दिया होता, क्योंकि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में घूमने गया हूँ, कौन कौन से मैंने एडवेंचर्स किए हैं। तो इत्तेफाक की बात है कि मेरा एक टाइम, मैं हर दिसंबर एंडिंग में मैं माता रानी वैष्णो देवी ज़रूर जाता हूँ। तो मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने फ्रेंड को बोला यार कि मैं आज वीडियो बनाता हूँ, तो उसने मुझे बोला वीडियो बना ले और इसको व्लॉग बना दे इसका। तो मैंने डिसाइड किया, रात भर प्रैक्टिस करता रहा कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है। 2022 की नहीं, ये 2021 दिसंबर की बात बता रहा हूँ। तो मैं वैष्णो देवी गया, वहाँ पे शूट किया, व्लॉग्स बनाए, बट उस माता रानी को मंजूर नहीं था। तो मैंने जब घर में डाटा ट्रांसफ़र किया तो मेरी पूरी की पूरी जो क्लिप्स थी वो करप्ट हो गई, तो वो व्लॉग जो है वो नहीं आ पाया, क्योंकि माता रानी चाहती थी कि मैं A1K करके आऊँ। उसके बाद जब शुरुआत हुई तो मैं गाड़ी में बैठा था, तो इत्तेफाक से बेटी मेरे साथ थी, आपने बाली को देखा है, तो हमने कहा था कि हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। तो छोटा सा शॉर्ट लिया, उसको मैंने यूट्यूब में डाल दिया और उसमें बहुत से अच्छे व्यूज़ भी आ गए मुझे। बस फिर क्या था, आपकी बाइक की जर्नी शुरू हो गई। तो करते 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 और आज 1K सब्सक्राइबर्स को मैं हिट कर चुका हूँ, और कहीं ना कहीं इसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है। मेहनत तो रहती है, मेहनत तो बोलो तो मैं अभी फुल टाइमर नहीं हूँ, मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब भी है, मैं उसको भी मैनेज करता हूँ, तो साइड बाई साइड चल रहा है। लेकिन अब उम्मीद यही रहेगी कि अब टाइमली मेरे व्लॉग्स आए, क्योंकि एक टारगेट होता है बंदे का 1K होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपके इस बाइक के हो गए। कैसे हुए हैं, क्या क्या मैंने किया है, ये मैं आपको बताऊंगा थर्ड चैप्टर में। अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, सेकंड चैप्टर क्या था। तो आपसे कहा था कि आफ्टर 1K वाइफ से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको मैं, तो ये रही मेरी वाइफ, तो आ सकती है ये यहाँ पे, तो ये आज फर्स्ट टाइम कैमरा में आ रहे हैं, तो जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, तो आज आपको इनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो ये है मेरी वाइफ, तो इनका नाम परनिका बाली है, तो इनको मैं परी बुलाता हूँ, तो शॉर्ट नेम परी है। ये अब थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सचिन जम्मू। एंड सबसे पहले मैं अपने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, उनको मैं तहे दिल से थैंक्स बोलती हूँ, तहे तहे दिल से, क्योंकि इसमें कुछ मेहनत तो हमारी है, बहुत है, पर हमारी मेहनत का मतलब वो वर्थलेस है जब तक कि आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग हमारे व्लॉग्स को देखेंगे नहीं। तो सब्सक्राइबर्स को तो थैंक्स है, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये नहीं है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे मतलब उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग फेज़ होता है तो उसमें हमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो तहे दिल से सबका थैंक यू। एंड हाँ, हमने व्लॉग्स कैसे शुरू किया, क्या है वो तो आपको इन्होंने बताया होगा कि मतलब कैसे हमारी एक दिन ऐसे ही रैंडमली इन्होंने बोल दिया कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, तो बस फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। बताया इन्होंने कि हमारी पहली जो व्लॉग था वो तो चलो आ ही नहीं पाया, देन उसके बाद हम इन्होंने अपनी बेटी के, हमारी बानी जिसको लोगों ने बहुत प्यार किया है, बानी तो हमारे व्लॉग्स का यू नो एक वो होता है ना एक सक्सेस का की पॉइंट जो होता है, हमारा की होता है वो हमारी बानी है, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया ना। बिल्कुल। उसका पहला व्लॉग आया तो वो 1.4K तक उसके व्यूज़ चले गए थे, वो बहुत लोगों ने पसंद किया उसको, तो बस फिर वहाँ से इनके व्लॉग्स शुरू हो गए। उसके बाद इनका जितना भी ट्रैवलिंग रूटीन रहा, जो भी इनका मतलब कि अपनी दिनचर्या थी, जैसा भी इनका रूटीन जो भी रहा, इन्होंने वो एक अपने जो मोमेंट्स थे वो इन्होंने कैमरे में कैप्चर किए, वो हमने आप लोगों तक पहुँचाए, और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और इसमें हमारे कुछ व्लॉग्स बहुत अच्छे गए हैं। जैसे कि एक हमारा व्लॉग है बूढ़ा अमरनाथ, श्री बूढ़ा अमरनाथ जी जो कि पुंछ में है,
तो आप लोगों ने देखा होगा वो व्लॉग्स, वो 5 point कुछ के व्यूज़ में गया था, तो वो काफ़ी अच्छा चला। बाकी व्लॉग्स भी हमारे अच्छे चलते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, कुछ थोड़े बहुत, मतलब वो डिपेंड करता है कि मतलब कितनी, मतलब कि ऑडियंस को कितना हम, मतलब कि पसंद आ रहे हैं ना, ऑडियंस को क्या चाहिए हमसे, हम अपना 100% दे रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ लोग हमें फीडबैक भी दिया करें कमेंट्स पे। अच्छा एक बात और, जब भी ये हमारे बच्चों का व्लॉग आता था, बेटियों का व्लॉग आता था, तो मैं इनसे हमेशा कहती थी कि ना आप ना जिक्र करो कि ना मैं पीछे बैठी हूँ पर मैं कैमरा के सामने नहीं आ रही, क्योंकि मुझे था कि कुछ लोग कहेंगे वाह ये तो यार ये सिंगल फादर है, दो बेटियों को संभाल रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती थी। तो मैं इनसे कहती थी, मैं पीछे से इनसे टोकती थी, हेलो कहो कि इनकी मम्मा ना पीछे बैठी है और मैं उनको दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत बार हुई है, मेरा बहुत बार मन किया है कि मैं आऊँ सामने, पर इन्होंने मुझे कहा था नहीं परी मैं तुझे ना 1K के बाद अपने यू नो ऑडियंस को मिलाऊँगा। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, तब तक आप मेहनत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने जल्दी हम 1K क्रॉस करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस समय हमने स्टार्ट किया ना, तो उस समय तक तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ चुके थे, मतलब कि छोटे से छोटे यूट्यूबर्स भी बहुत बड़ी जगह पहुंच चुके थे। तो मुझे नहीं था इतनी उम्मीद कि हम यू नो इतने जल्दी 1K क्रॉस कर पाएंगे, पर नहीं दे पाते। हाँ, और इनके पास टाइम भी नहीं था, इनकी एक साइड पे जॉब चल रही है, एक साइड पे यूट्यूब चल रहा है। तो मेरी इनसे बड़ी वो होती थी कि यार आप महीने में एक व्लॉग डाल रहे हो, ये कैसे चलेगा, लोग तो भूल ही जाएंगे सचिन जम्मू नाम का कोई व्लॉग भी है। क्योंकि जो पर्सनली मैं कितने व्लॉग्स देखती हूँ, मैं कितने लोगों को फॉलो करती हूँ, नाम मैं उनका नहीं लूँगी, पर उनके डेली रूटीन में आते हैं। तो ये मुझे कहते हैं कि नहीं परी मैं वो डेली व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ, मेरा कंटेंट वो डेली लाइफ के व्लॉग्स होते हैं, मेरा वो कंटेंट नहीं है। मैं ट्रैवलिंग पे जब जाऊँगा जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी वो मैं दिखाऊँगा। तो मुझे रहता था कि यार कब होंगे, पर नहीं, इनकी काफ़ी अच्छी इन्होंने कोशिश की, बहुत अच्छी मेहनत की, इस दौरान काफ़ी चीज़ों को हमें फेस भी करना पड़ा, मोबाइल टूटना जैसे कि फिर बीच में होना कि नहीं यार मोबाइल की क्लियरिटी अच्छी नहीं है। जब से हम व्लॉग्स बना रहे हैं आई थिंक हमारा ये दूसरा मोबाइल है, दूसरा ही मोबाइल, ये हमारा दूसरा मोबाइल है व्लॉग के लिए लेना पड़ा कि भाई उसमें ना कैमरा अच्छा नहीं है, हम परी वो गुम गया चोरी, हाँ वो इनसे मिसप्लेस हो गया था, इनके गाड़ी में ये बैठ रहे थे कहीं पॉकेट से गिर गया, तो वो हमें मिला ही नहीं। तो उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा डाटा था जो कि हमसे मिस हो गया, हमें नहीं मिला। कुछ व्लॉग्स उसमें भी थे हमारे ऐसे जो हम ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाए थे, तो बहुत हार्डल्स रहे रास्ते में, और इस दौरान चलता रहा सिलसिला। मतलब तो फाइनली हमने 1K हिट कर दिया, 1K। अब हमें है कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे कि हम इस 1K को 10K भी फटाफट कर पाएँ, 10K कर पाएँ। तो उसके लिए हाँ मेहनत हमें करनी है, हम करेंगे, पर आपका सपोर्ट हमें चाहिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और हाँ, अब हमारा प्रॉमिस आपसे ये रहेगा, इन्होंने कहा था कि 1K के बाद तुम आ जाओगे तो हम एक फैमिली ट्रिप बनाएंगे। हम एक बहुत जल्दी हम एक फैमिली ट्रिप, एक फैमिली व्लॉग बना रहे हैं, जिसमें कि अब आपको मैं दिखूंगी होस्टिंग करते हुए। तो वो जल्द हम अब इनके जितने व्लॉग्स लेंगे, मतलब कि जिसमें पॉसिबल होगा कि मैं इनके साथ जा सकूं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनका स्कूलिंग रहता है, तो मैं इनके साथ हर व्लॉग में नहीं जा सकती हूं, हर जगह नहीं जा सकती हूं, पर जो हमारा एक फैमिली ट्रिप रहेगा उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर दिखूंगी। तो बस आप उन व्लॉग्स को देखते रहिए, आगे एक बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है हमारी, हम लोग आप देखना, एक सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं हमारे। तो बस उनको देखिए, प्यार बढ़ाइए, अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं पर ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो हर किसी के साथ होता है। तो सिर्फ देखिए मत, बस एक सब्सक्राइब का वो है ना बेल, उसको सिर्फ टच करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको सिर्फ टच करना है आपको। तो बाकी आपको एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे वीडियोस, एक अच्छा व्लॉग देना वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो बिल्कुल एकदम प्योर होगा, बिल्कुल प्योरिटी से बना होगा, कुछ भी हम ऐसा उसमें आर्टिफिशियल नहीं होगा कि आपको लगेगा नहीं यार ये लोग तो अब ये इसको काट देंगे, बोलेंगे तूने ज़्यादा लेक्चर दिया है। तो ये तो तीसरा बंदा है हमारा, वो काटेगा। हाँ, ये हमारा तीसरा बंदा जिसको कट 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 करेगा। और हाँ, कुछ लोग बीच में ऐसे थे जिन्होंने कहा था परी तू क्यों नहीं आ रही है, तू आ यार, हम तेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे से देखेंगे, तू आ तू आ। तो उन सब के लिए मैं आ रही हूँ, अब उन व्लॉग्स के व्यूज़ ना यहाँ से यहाँ जाने चाहिए कि नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो एक एक बंदा मुझे याद है जिसने कहा था कि तू कब आ रही है, तू कब आ रही है, तू कब आ रही है। तो मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग्स में, तो उनके व्यूज़ पॉइंट एकदम यू नो मेरे को हिट कर दो, इनसे आगे निकल जाऊँ मैं, ठीक है। मेरे व्लॉग्स में तो आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बाहर बच्चे यू नो दादी के पास छोड़ के आई हूँ, तो वो दादी से लड़ रहे हैं, उनको अंदर नहीं आने देना है हमने। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ, और आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आपके होस्ट एंड आपके दोस्त सचिन जम्मू मैम को थैंक यू मैं करूँगा कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है,
तो अब हम मिलके एक फैमिली व्लॉग सीरीज बनाने वाले हैं, वो जल्द आपके पास नया कंटेंट आने वाला है, एक नई सीरीज आने वाली है हमारी। तो फुल मस्ती हो रखी है उसपे, फुल एंटरटेनमेंट है, फुल एंजॉयमेंट है। उसके बाद एक और हमारा ट्रिप है, वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाते हैं, देखते हैं। तो मतलब कि सोच हमने बहुत कुछ रखा है, बस थोड़ा सा हमें वो था कि यार पता नहीं हम चलेंगे या नहीं चलेंगे या क्या होगा, होता है ना एक डर रहता है। तो वो जब थोड़ा सा प्यार दिखा लोगों का कि नहीं यार हम अपनी मेहनत करते हैं, देने वाला वो ऊपर बैठा है, तो उसने जब देना होगा तो वो छप्पड़ फाड़ के देगा, तो हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू। ओके सर। थैंक यू मैम। ओके सर, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सर, कम बाय। और ये कहेंगे अपनी प्रमोशन करने आई है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है परनिका सचिन मैक, मुझे फॉलो करो वहाँ पे। okay. बहुत अच्छी रील्स बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो मैम का इंस्टा भी है, तो आप इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा आपको। हाँ। इनके मैम के इंस्टा का, तो आप इंस्टा भी देख सकते हो। तो अच्छे रील्स बनाते हैं वहाँ पे। थोड़ी छोटी मोटी क्रिएटर हम भी हैं। तो बाकी हम अगला टॉपिक है हमारा थर्ड, जो मेन टॉपिक है यूट्यूब में हमें क्या क्या चीजें, किस तरह से हमने अपने 1K को हिट करना है, मतलब कि 1K किस तरह से हिट होने चाहिए, वो जो गलतियाँ मैंने की हैं, जो मैंने इतना टाइम लगाया है। तो मैंने इस छोटी सी जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि कोई भी नया क्रिएटर अगर यूट्यूब करना चाहता है, व्लॉग्स बनाना चाहता है, तो उसको कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उसको करना है। तो बाकी आप करो स्टार्ट, जो लोग सोच रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ करो, तो शुरू। हमने ये नहीं देखा कि यार यहाँ तो बहुत बड़े बड़े वो यूनो बैठे हुए हैं, हम कहाँ। तो भाई वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, हमने अपना यहाँ से स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम थोड़ा सा यहाँ तक आए हैं, मे बी हम यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट कर दो, अब बस दिल से करो, दिखावे के लिए या किसी की कहने पे या ऐसा कुछ नहीं है, दिल से जो आपका दिल कहता है ना, बस आप करो। दिल की सुननी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने हमारे दिल की सुनी है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी हम बस और ग्रो ही करते जाएँ। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल सचिन जम्मू को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखें, अगर आपको पसंद आती है तो उनको शेयर करिए। और हाँ, कमेंट ना फीडबैक ज़रूर दीजिए हमें, अगर कुछ हमारे जो नए न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो हमें एक फीडबैक ज़रूर दीजिए जिस पे हम काम कर सकें, अगर हमें लगे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या क्या हमसे नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए। तो मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक फैमिली ट्रिप के साथ। तो ओवर टू यू सर, बाय बाय। देख लो जी, अभी चल रहा है हमारा बैक बिहाइंड द बीबीएस, बीटीएस, बीटीएस बिहाइंड द सीन, मुझे सिखा रही है इंग्लिश, देख लो। तो आप बताओ मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताइए। तो इंटरव्यू अच्छे से कराइए मुझे। तो ये है मेरी वाइफ, तो इनका नाम परनिका बाली है, तो इनको मैं परी बुलाता हूँ, तो शॉर्ट नेम परी है। तो पर मैं उड़ती नहीं हूँ। तो यही करते हैं। तो आज़ी बताओ हमें करना ना, कोई लेक्चर देने थोड़ा बैठे हम ना, कोई न्यूज़ की कोई डिबेट देने थोड़ी ना है। तो इन्होंने बहुत परी, पर मैं उड़ती नहीं हूँ, ये उड़ते नहीं है, पर इनका नाम परी है। तो आप बिल्कुल, तो थैंक यू। ओके सर, थैंक यू मैम। ओके सर, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सर, कंबाइन, और उसमें व्यूज मेरी वजह से हाई जाएंगे, हाई हाई। तो जाऊँ मैं? जाओ।